हेल्थ टिप्स में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं गेहूं के चमत्कारिक औषधीय गुण किन बीमारियों में है कारगर? दरअसल गेहूं में विटामिन ई और सिलियम के रेशे पाए जाते हैं जो कि कैंसर की सेल को पनपने से रोकते हैं। तो जानिए गेहूं के कुछ औषधीय गुण। गेहूं को हम अनाज के रूप में जानते हैं। गेहूं के बिना घर की रसोई अधूरी है। ये सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाला अनाज माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं गेहूं एक चमत्कारी औषधि गुण है? इसके कई सारे औषधीय गुण हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे, तो आज हम आपको इसके गुणों के बारे में बताने जा रहे हैं। बता दें कि गेहूं मैदे के मुकाबले ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। गेहूं पेट के लिए बहुत हल्का होता है जो आसानी से पचाया जा सकता है। गेहूं में विटामिन ई, सिलियम और रेशे पाए जाते हैं जो कि कैंसर की सेल को पनपने से रोकते हैं। अगर आप गेहूं खाएंगे तो आपके मुंह के अंदर विटामिन और अन्य प्रकार के तत्व निकलेंगे जिससे सांस की बदबू नहीं आएगी। 20 ग्राम गेहूं के दानों में नमक मिलाकर 250 ग्राम पानी में उबाल लें जब तक कि पानी की मात्रा एक तिहाई न रह जाए। इसे गरम गरम पी लें। लगातार एक हफ्ते तक ये प्रयोग दोहराने से खांसी जल्दी चली जाती है। गेहूं से बना हरीरा पीने से दिमाग की कमजोरी दूर होती है और स्मरण शक्ति बढ़ती है। गेहूं के हरीरा में चीनी और बादाम मिलाकर पिए, ये आपकी याददाश्त बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। गेहूं के आटे को गूंथ लें तथा त्वचा की जलन, खुजली, फोड़े, फुंसी या आग में झुलसी त्वचा पर इस आटे को लगा दें। त्वचा पर ठंडक पड़ जाती है। यदि किसी विषैले कीड़े ने काट लिया है तो आटे में सिरका मिलाकर उस स्थान पर लगाएं, तुरंत ही आपको लाभ मिलेगा। गेहूं के आटे को गूंथ कर त्वचा की जलन, खुजली, बिना पके फोड़े फुंसी तथा आग में झुलस जाने पर लगा देने से ठंडक पड़ जाती है। पथरिया स्टोन होने की स्थिति में गेहूं और चने को उबाल कर उसके पानी में कुछ दिनों तक रोगी व्यक्ति को पिलाते रहने से मूत्राशय और गुर्दे की पथरी गल कर निकल जाती है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.